कोरोना कोरोना कोरोना, हर जगह इस कोरोना का प्रकोप छाया हुआ है। वो वेब सीरीज हो, एड हो, या आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी आप देख रहे हो, तो आज अभी कोरोना ही कोरोना हुआ है, पड़ा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग सोल। इस लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो रिएक्शन किया था राम गोपाल वर्मा की मूवी, जो कोरोना वायरस पहली मूवी है जो आने वाली है इस कोरोना पैंडेमिक के ऊपर, उसके ऊपर रिएक्शन किया था। अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हो। और आज मैं जिस ट्रेलर का या जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाला हूँ, वो एक कन्वर्सेशन है बिटवीन फादर एंड सन। वो एक शॉर्ट फिल्म की तरह है जिसे कोरोना वायरस के बैकग्राउंड में बनाया गया है। एक फादर और सन, जिसके बीच में एक जनरेशन गैप है, वो कैसे बात कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एंड खास बात यह है कि इसमें जीतू भैया, जिन्होंने इससे पहले शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान में काम किया हुआ है, इनफैक्ट जितेंद्र कुमार जिनका पूरा नाम है, उन्होंने TVF के मोस्टली एपिसोड्स में वो रहते हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और जितेंद्र कुमार के साथ हैं गजराज राव, जो शुभ मंगल ज़्यादा सावधान में भी उनके फादर का रोल निभाया था उन्होंने। तो आइए पहले देखें, फिर बात करते हैं। हेलो। हाँ पापा, नमस्ते। पापा क्या कर रहे हो? वही योगा, अपना भुजंगासन। पापा वीडियो कॉल किया है मैंने। बस योगा की तैयारी चल रही थी बेटा। पापा अभी तैयार होके क्यों खड़े हो? और इस हॉल का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? नहीं तैयार नहीं बेटा, ये बैग तो मैं हमेशा कैरी करता हूँ, पसंद है मुझे। और ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, बड़ा हवा थोड़ी दबी दबी से हो गई थी इसलिए। पापा पहले आप अंदर जाओ, ठीक से फोन को सेट करो, फिर बात करते हैं। ठीक से अंदर जाओ पहले आप। हाँ जी तो बोल। पापा सच सच बताओ, आप बाहर जाने वाले थे ना? देख बेटा, इमरजेंसी सिचुएशन है, चड्डा की वाइफ मायके गई हुई है, वो बिल्कुल अकेला है बेचारा, बहुत ज्यादा बोर हो रहा है वो। पापा पागल हो? पापा कोरोना वायरस फैल रहा है, हर जगह फैल रहा है, पूरा देश लॉकडाउन है। प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ के विनती की है कि कोई सड़कों पे ना निकले, घर में रहे। अरे तो भैया मुझे रोड पे जाने की जरूरत क्या है? पिछली गली से दीवार फांद के जाऊंगा और पहुंच जाऊंगा, चार घर छोड़ के तो है चड्डा घर। पापा चार हो या दो घर हो, आपको अपने घर से नहीं निकलना है। ऐसे हर कोई चार घर समझ के निकलने लग गया, सड़क पे भीड़ हो जाएगी ना, फिर क्या फायदा निकला? बेटा दो मिनट तो लगेंगे, चट निकलूंगा पट पहुंच जाऊंगा। पापा उसी दो मिनट में कोई और भी निकला और वो इन्फेक्टेड हुआ तो? इतना न्यूज पढ़ते हो आप, इटली US में वायरस पागलों की तरह फैल रहा है, देखा नहीं है क्या आपने न्यूज में? अरे बेटा वो तो उनकी कंट्रीज में बहुत ऊट पटांग खाना खाते हैं, इसलिए कोरोना शोरोना उनके घरों में घुस रहा है। हम लोग तो शुद्ध पौष्टिक खाना खाते हैं, देखना कुछ नहीं होगा हमें। अच्छा और इतने इंडियंस को जो हो रहा है वो, उन लोगों ने तो कभी खाया नहीं होगा पौष्टिक खाना, है ना? अरे उन सबको इन दूसरे देशों से ही तो बीमारी मिली है ना, चड्डा को देख, उसको कहां से कोरोना वायरस हो जाएगा? उसके पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, उसके खानदान में इटली छोड़ इटारसी से आगे तक कोई नहीं गया है। अरे पापा पर चड्डा अंकल मार्केट तो गए होंगे ना, क्या पता वहां कोई इन्फेक्टेड आदमी हो और उसके कांटेक्ट में चड्डा अंकल आए हो तो? अच्छा मान ले उसको वायरस हो भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 25 ग्राम कलौंजी और 10 ग्राम मुलेठी पीस के दूध में मिला के पीलेगा, रात भर में ठीक हो जाएगा। क्या दूध मिला के पीलेंगे, क्या हुआ बताओ? इतना एडवांस बनता है और लेटेस्ट न्यूज पता ही नहीं है। तेरे रतलाम वाले सुरेंद्र मामा है ना, उनका व्हाट्सएप आया था, वहां पे एक वैद्यराज है हकीमुद्दीन जी, उन्होंने कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लिया है, कलौंजी और मुलेठी पीस के दूध में डालो और पी जाओ, कोरोना के वायरस बॉडी में घुस ही नहीं सकते। उन्होंने तेरे नोवल कोरोना वायरस को शॉर्ट स्टोरी कोरोना वायरस बना दिया है। पापा फेक न्यूज है ये, कौन वैद्यराज हकीमुद्दीन? सारी दुनिया के डॉक्टर्स लगे हुए, उनको इलाज मिला नहीं, इसको मिल गया हकीमुद्दीन को इलाज। पापा इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक। मतलब मुलेठी पीने से हम बच नहीं सकते? नहीं, 12.5 किलो मुलेठी का क्या करूंगा मैं? अरे पापा आपने इतनी मुलेठी मंगा के क्यों रख ली? बोला था ना आपको कोई भी सामान स्टॉक मत करके रखो, सब कुछ मिलेगा, सारा सामान मिलेगा, दवाइयां मिलती रहेंगी, आप बस अपने घर से बाहर मत निकलो प्लीज। पर बेटा ऐसे डर के घरों में बंद होके तो नहीं रह सकते है ना? अच्छा अभी बाहर गोलियां चल रही होती तब तो आप घर में बैठते ना,
पापा बाहर एक जंग छिड़ी हुई है, पूरा वर्ल्ड एक इनविजिबल दुश्मन से लड़ रहा है। इस वायरस को हम तभी हरा सकते हैं जब हम घर में बैठेंगे। तो पूरे इंडिया को क्यों लॉकडाउन कर रहे हो? जो बीमार है उनको लॉकडाउन करो ना, उनको बैठाओ घर में, और जो भले चंगे हैं उनको काम करने दो अपना। पापा वही तो प्रॉब्लम है, इन्फेक्टेड इंसान को खुद को नहीं पता होता कि वो इस वायरस से इन्फेक्टेड है। इस वायरस के सिम्टम्स काफी दिनों बाद दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर वायरस हो लेकिन मुझे कुछ दिनों तक तो पता ही नहीं चले कि मेरे अंदर वायरस है। हाँ, और इस दौरान आप जिससे भी मिलोगे जाने अनजाने में उनको भी इन्फेक्ट कर सकते हो। क्या बात कर रहा है? एक मिनट रुक, मैं तेरी मम्मी को बाथरूम बंद करके आता हूँ। अरे क्या पापा, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, वापस आके बैठो आप। बेटा तुझे पता नहीं है मैं परसों पूरा 3 बार खांसा था, मैं तो मौत के मुंह में जा ही रहा हूँ। तेरी मम्मी को मेरे चक्कर में कुछ नहीं होना चाहिए। कसम खा अपनी मम्मी का ख्याल रखेगा। और तेरे मैंने मस्जिद बनाई है उसमें तेरे नाम की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई थी, JI की जगह JEE। एक मिनट पापा, आप थोड़ा बैलेंस में रहो ना, या तो आपको कुछ नहीं होगा या सीधा मरी जाओगे। ऐसा नहीं है, अगर आपको कोरोना वायरस हो भी गया तो डरने की बात नहीं है, हेल्पलाइन को कॉल करो, डॉक्टर्स आपको पूरा गाइड कर देंगे। मेजॉरिटी केसेस में लोग फुली रिकवर कर जाते हैं। तो फिर सब इतना घबरा क्यों रहे? पापा घबराहट इस बात की कहीं महामारी इतनी ना फैल जाएगी हॉस्पिटल्स के बेड कम पड़ जाएं। वो कहावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो अभी सभी मछलियों को अपने अपने एक्वेरियम में रहना है ताकि बीमार मछलियों का इलाज हो सके और तालाब फिर से साफ हो सके। वो तो ठीक है यार जी, तो पर यार दोस्तों की रिश्तेदारों की बहुत याद आती है, मिलने का मन कर रहा है यार। हाँ तो पापा कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो, इतनी सारी चीजें हैं, पर प्लीज घर से बाहर मत निकलो। पापा हो सकता है इस वायरस से आपको कुछ ना हो, पर किसी बच्चे को, प्रेग्नेंट औरत को या किसी और जीतू के पापा को ये बीमारी आपसे मिल सकती है। और हो सकता है वो जीतू इस बार इतना लकी ना हो, वो शायद अपने पापा से कभी मिल ही ना पाए। उस जीतू के लिए पापा प्लीज घर से बाहर मत निकलो प्लीज। और आप तो हमेशा देशभक्ति की बातें करते रहते हो ना, हमेशा रोते रहते हो कि फिजिकल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ वरना मैं आर्मी में होता। इस वक्त देशभक्ति दिखाने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है पापा, अपने घर में रहना है बस। और इस टाइम पे आप जो भी बोलोगे ना, YouTube, Facebook, Twitter, जितने भी टेक्नोलॉजी वाले सवाल आप करते हो मैं सबके जवाब दूंगा बैठ के चुपचाप, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होऊंगा, प्रॉमिस। ठीक है बेटा, बेटा वो तेरे खाटू श्याम जी वाले पुब्बा जी है ना, वो टिकटॉक पर आ गए हैं, 250 फॉलोअर्स हैं उनके। मुझे टिकटॉक सिखाएगा? दोस्तों हमारी पूरी TVF टीम हमेशा से आपके लिए नए शोज, नए वीडियोस लेके आती रही है। और इसके पीछे हमारा बस एक ही मकसद रहता है, आपका मनोरंजन। कभी आपको हंसा लिया, कभी आपको। TVF की एक जो सबसे खास बात है कि वो छोटी छोटी चीजों को इतने अच्छे से अपने स्क्रिप्ट में शामिल करता है कि आप उससे बंध जाते हो। एक फादर और सन के बीच में जनरेशन गैप होने के बावजूद इतने अच्छे से छोटी छोटी जो कोरोना को लेके हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं, इग्नोरेंस होता है, इन सब को लेके बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को बनाया गया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये वीडियो शायद अवेयरनेस फैलाने के नज़रिए से ज़्यादा बना हुआ है। अभी लॉकडाउन में जब सभी कुछ बंद है, आप शूट नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपने गौर किया होगा कि जो भी चीज़ें आ रही है वो कहीं ना कहीं अपने अपने घरों से बैठ के जो लोग वीडियो कॉल, वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके थ्रू आ रही है। और यही चीज़ इसमें दिखाया गया है कि जीतू जो है वो एक अलग जगह पे है, उसके फादर अलग जगह पे हैं, लेकिन दोनों वीडियो कॉल कर रहे हैं। और इनफैक्ट रियल में भी जब ये शूट हुआ था वीडियो, तो दोनों अपने अपने घरों में थे और वहाँ से शूट करके इसको एडिट करके लाया गया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सामने आ रहा है। वीडियो बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि अभी के टाइम पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको घर पे रहना कितना ज़रूरी है। और ये तो बिल्कुल सही है कि हमारी छोटी सी इग्नोरेंस बहुत बड़ा त्रासदी का रूप ले सकती है, तो प्लीज़ बी सेफ, प्लीज़ स्टे एट होम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे देखते रहें, लॉकडाउन में लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और सेफ रहें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।